नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर, साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल 2024-25 शुरू हो चुका है। आपको स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट करना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल आपको कंप्लीट करना होगा। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल किस प्रकार पूरा करना है, इसमें आपके क्या क्या दिक्कत आ सकती है, किस प्रकार उन दिक्कत का समाधान आप जो है कर सकते हैं, साथ ही प्रोग्रेशन एक्टिविटी फाइनलाइज भी आपको करना है तो किस प्रकार करना है, यानी कि पूरी जानकारी प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल की मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही जो यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल है, इसकी भी काफ़ी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आप मोबाइल में या लैपटॉप में जो यूडाइस प्लस फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर सर्च बार में आपको यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल जो है यहाँ पर लिखकर सर्च करना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल नाम से आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पर यूडाइस प्लस HDMS पोर्टल जो है आपका आ चुका है। अब आपको नीचे चलना है और नीचे यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट स्टेट टू लॉगिन, यानी कि यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर पूरे जो भारत के स्टेट हैं, सभी स्टेट यहाँ पर दिए हुए हैं। जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए अगर राजस्थान से हैं तो राजस्थान सेलेक्ट कर लें, गो पर क्लिक कर दें। और जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो यूजर आईडी है और पासवर्ड है और यहाँ पर कैप्चा फिल करके लॉगिन करना है। यूजर आईडी में आपको यूडाइस कोड जो भी हैं आपके वो फिल करने हैं और आपको पासवर्ड भी यहाँ पर फिल कर देने हैं। अगर आप पासवर्ड भूल चुके तो फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप यहाँ पर जो है फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो देखिए, जैसे आपने लॉगिन किया, लॉगिन करते ही आपके सामने यहाँ पर जो पेज शुरू होता है, इसमें देखिए करंट अकादमिक ईयर 24-25 यहाँ पर दिया हुआ है और स्नैपशॉट अगर आप 23-24 का लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। यानी कि 23-24 में जो भी आपने किया था स्टूडेंट मॉड्यूल में, वो सब डिटेल यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको अटेंशन न्यू के नाम से ऑप्शन मिल जाता है। देखिए, यहाँ पर जो अकादमिक ईयर 24-25 हैज स्टार्टेड, यानी कि यहाँ पर 24-25 की जो है यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल बनना शुरू हो चुका है। आपका इसको जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल है 24-25 का, उसको जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करना है। तो इसके लिए करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर 24-25 का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसी 24-25 वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर सबसे पहले स्कूल इंफॉर्मेशन आपको बताएगा, जिसमें आपकी स्कूल की कैटेगरी है, क्लास है, जो है स्कूल टाइप है, मैनेजमेंट है और जो भी है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर बता देगा। इसके बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। जैसे आप क्लोज करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपकी स्कूल की इंफॉर्मेशन आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, जो करंट अकादमिक ईयर 24-25 है उसका डाटा अपन फिल करेंगे और यहाँ पर अगर आप अकादमिक ईयर चेंज करना चाहते हैं तो इसी पर क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए, फिर से उसी ऑप्शन पर आ चुके हैं तो यहाँ से आपको जो है चेंजेज वगैरह भी कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको पूरे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है स्कूल डैशबोर्ड, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 24-25 के ग्रेड वाइज स्कूल डिटेल्स आपको नज़र आ जाएगी। टोटल इनरोलमेंट यहाँ पर नज़र आएगा, टोटल बॉयज़ गर्ल्स यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ट्रांसजेंडर वगैरह है तो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। लास्ट अपडेट आपने कब किया है वो भी डिटेल्स यहाँ पर नज़र आ जाएगी। अभी हमने यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल को शुरू नहीं किया है, उसको फाइनलाइज नहीं किया है। तो अभी यहाँ पर देखिए, अभी सभी क्लासेज में, सभी सेशन में 00 बॉयज़ गर्ल्स आपको नज़र आ रहे हैं और इनकम्प्लीटेड स्टेटस में भी आपको 00 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए, स्कूल डैशबोर्ड है, स्कूल प्रोफाइल यहाँ से देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यहाँ से चेक होगी, सेक्शन मैनेजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, सेक्शन शिफ्ट यहाँ से कर सकते हैं, प्रोग्रेशन एक्टिविटी यहाँ से कर सकते हैं, इम्पोर्ट मॉड्यूल दिया हुआ है। इधर देखिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल यानी कि मार्क ड्रॉप आउट जो भी स्टूडेंट है वो यहाँ से देख सकते हैं, इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल यहाँ पर हैं, रिपोर्टिंग मॉड्यूल यहाँ पर हैं, अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स 24-25 का वो यहाँ पर हैं, अगर स्टूडेंट आपको सर्च करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, जो 24-25 का आपको स्टूडेंट मॉड्यूल फिल करना है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है उसकी बात हम सबसे पहले करेंगे और सबसे पहले काम भी वही करना है। यहाँ पर देखिए, आपको एक ऑप्शन नज़र आता है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, देखिए इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है।
तो देखिए, जैसे आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने मॉड्यूल ओपन हो जाता है। इसमें देखेंगे तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आपको जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है यहाँ से गो करके आप सीधा जा सकते हैं, या यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो पहला ऑप्शन मिलेगा व्यू समरी, यहाँ से व्यू समरी कर सकते हैं। प्रोग्रेशन जो है समरी सेशन वाइज यहाँ से फिल कर सकते हैं, और अगर आपको फाइनलाइज करना है तो यहाँ से करना है। आपको किस प्रकार पूरी डिटेल्स प्रोग्रेशन मॉड्यूल की कंप्लीट करनी है, पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मैं आपको इसमें देने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा आपको ज़रूर देखना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर सबसे पहला कार्य करना है, वो करना है प्रोग्रेसिव जो प्रोग्रेशन है समरी सेशन वाइज यहाँ से फिल करना है, या आप चाहे तो यहाँ पर सीधा गो पर क्लिक करके भी यहाँ से कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इसी ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए क्लास ग्रेड्स नज़र आएगी, सेक्शन नज़र आएगा, प्रोग्रेशन स्टेटस आपको अभी नज़र आ रहा है तो पेंडिंग नज़र आ रहा है, जैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट यहाँ पर नज़र आ जाएगा, और देखिए प्रोग्रेशन लॉक टाइम, अगर आपने लॉक कर दिया है प्रोग्रेशन को तो वो भी यहाँ पर नज़र आ जाएगा, अभी एन ए नज़र आ रहा है, और एक्शन में आप देखेंगे तो व्यू अपडेट का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लासेज, आपको सभी क्लासेज जितने भी आपके विद्यालय में हो सभी कक्षाएं यहाँ पर नजर आ जाएगी। एक समस्या आपके सामने आ सकती है सेक्शन की, अगर आपके यहाँ पर सेक्शन नजर नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है उसका भी मैं आगे पूरी जानकारी आपको दूंगा, इसलिए तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। अब देखें यहाँ पर आपके यहाँ पर सारी डिटेल्स कंप्लीट है, आपको यहाँ पर जो है प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करना है तो क्लास वाइज आपको करना होगा। तो देखिए, मान लीजिए मैं पहली कक्षा की ही बात कर लेता हूँ, आपको यहाँ पर व्यू अपडेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने पहली क्लास के व्यू अपडेट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर प्रोग्रेशन फ्रॉम द अकादमिक ईयर 23-24, यानी कि 23-24 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आपको प्रोग्रेशन करके 24-25 में लाना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आपने पहली क्लास सेलेक्ट किया है तो कक्षा फर्स्ट यहाँ पर आ चुकी है, सेक्शन यहाँ पर आ चुका है, आप यहाँ से क्लास भी चेंज कर सकते हैं, जितनी भी क्लासेज है वो सभी कक्षाएँ यहाँ पर शो हो जाएगी। मान लीजिए आपको पहली का फिल करना है तो यहाँ से करेंगे, दूसरी तीसरी चौथी सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम पहली की बात कर लेते हैं, इसके बाद आपको गो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नोट दिया हुआ, नोट भी अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको चलना है, यहाँ पर देखिए फिल्टर्स वगैरह आप लगा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट लिस्ट फॉर प्रोग्रेशन क्लास वन सेशन ए यहाँ पर दिया हुआ है, अगर मान लीजिए आपके ज़्यादा सेशन है तो सेशन भी आपको ऐड करने होंगे। यहाँ पर देखिए आपको एक बार में सिर्फ 10 बच्चे ही नजर आएंगे, अगर आप चाहते हैं कि पूरे क्लास में मान लीजिए 20 बच्चे या 25 बच्चे हैं और पूरे एक साथ 100, तो यहाँ से आप पेज भी जो है सेटअप कर सकते हैं। मान लीजिए 25 बच्चे आप करना चाहते हैं तो 25 कर सकते हैं, एक ही पेज पर आपको पूरे 25 बच्चे नज़र आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो स्टूडेंट के कोड और पेन स्टेट यहाँ पर दिए होंगे, स्टूडेंट बेसिक डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी, प्रोग्रेशन स्टेटस 23-24 का आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर मिल जाएगा नीचे आपको। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो 23-24 के मार्क्स हैं वो यहाँ पर फिल करने होंगे, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड 23-24, यानी कि 23-24 में स्टूडेंट ने कितने डेज स्कूल को अटेंड किया है, यानी कि उसके वर्किंग डे स्टूडेंट के फिल करने होंगे, और स्कूलिंग स्टेटस 24-25 का आपको जो भी है वो यहाँ पर फिल करना होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं किसी एक स्टूडेंट की बात कर लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यही स्टूडेंट हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको नज़र आ जाती हैं, उसको आप देख लें। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले उसका स्टेटस सेलेक्ट करना होगा कि वो जो है किस प्रकार से हैं, प्रमोट विद एग्जामिनेशन से हुआ है, या नोट पास्ट रिपीटेड भी आप कर सकते हैं, और प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन यानी कि बिना एग्जाम के उसको प्रमोट कर दिया गया है, या डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। अगर स्टूडेंट पास हो चुका है एग्जाम देकर तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, अगर आपने उसको रिपीट कर लिया है या वो पास नहीं हुआ है तो ये ऑप्शन आपको मिलता है, और मान लीजिए वो एग्जामिनेशन दिए बिना ही प्रमोट हो चुका है तो ये ऑप्शन यहाँ पर है। तो जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए मेरा स्टूडेंट है जो एग्जाम देके प्रमोट हो चुका है तो यहाँ पर ये ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये यहाँ पर रिजल्ट का है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है मार्क्स जो परसेंटेज में आपको फिल करने हैं, तो यहाँ पर आपको जो जैसे मान लीजिए उसने 80% बनाए तो 80 आपको यहाँ पर करना है, परसेंटेज का चिन्ह आपको नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए अपनी यहाँ पर समस्या ये आएगी कि कक्षा 1 से 8 तक तो ग्रेड दी जाती हैं, ग्रेड में परसेंटेज निकालने की ये सबसे बड़ी समस्या होगी, तो जो भी ग्रेड है ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको जो भी परसेंटेज का रेशो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ग्रेड के अनुसार जो उसकी परसेंटेज निकाल लें, तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज आप आ जाएगी। जैसे
मान लीजिए स्टूडेंट ने ओवरऑल ए ग्रेड प्राप्त की है तो ए ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको उसकी परसेंटेज निकालनी है, या मान लीजिए उसने बी ग्रेड प्राप्त की है तो बी ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो यानी कि सी डी या जो भी स्टूडेंट प्राप्त करता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है। मान लीजिए मेरा स्टूडेंट है और उसने जो है ए ग्रेड प्राप्त किए हैं तो मान लीजिए मैं उसको जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट की स्थिति है मैंने निकाली तो उसका यहाँ पर 80% बनता है। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 80% फिल कर दिया है। अब उसके वर्किंग डेज आपको फिल करने हैं जो 23-24 में स्टूडेंट जितने दिन भी आया है वो यहाँ से आप फिल कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट 172 दिन आया है तो 172 दिन में यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ, डेज बनने हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है उसका जो वो अभी इसी स्कूल में पढ़ रहा है या वो टीसी लेकर चला गया है या बिना टीसी के ही चला गया है। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, स्टडिंग इन सेम स्कूल, अगर वो इसी स्कूल में पढ़ रहा है तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगर मान लीजिए स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल विद टीसी यानी कि स्कूल से टीसी लेकर चला गया है तो ये ऑप्शन है, या बिना टीसी के भी गया है तो यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो जिन स्टूडेंट के हम टीसी काट देते हैं या वो बिना टीसी के ही चले जाते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन है, और जो टीसी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन है। तो इस प्रकार आप इसका स्टेटस यहाँ से अपडेट कर दें। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है सेक्शन, सेक्शन भी आपको यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए मान लीजिए अभी उसको प्रमोट किया है तो क्लास 2 में वो जाएगा और उसका सेक्शन भी क्या रहेगा तो सेक्शन जो भी है ए बी वो यहाँ से फिल कर लें। ये हो चुका है यहाँ पर, अभी यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग है। और देखिए यहाँ पर देखिए तो उसका भी प्रोग्रेशन एनए आ रहा है, जैसे आप इसको अपडेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए टाइमिंग वगैरह डेट वगैरह सब आ जाएगी। तो देखें जैसे यहाँ पर अपडेट करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट का प्रोग्रेशन है, देखिए स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली हो चुकी हैं, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर डेट आ चुकी है और टाइम आ चुका है कि स्टूडेंट ने कौन से दिन को यहाँ पर आपने उसका प्रमोशन किया है, अब स्टेटस में भी आप डन देख सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर इसका करेक्शन वगैरह करना है, गलती से आपने कुछ कर दिया है तो यहाँ से आप उसको चेंज कर देंगे, देखिए चेंज कर देंगे और फिर से अपडेट का ऑप्शन है, अपडेट करेंगे तो यहाँ से फिर से ये अपडेट हो जाता है। मान लीजिए ये सब ऑप्शन बंद हो जाते हैं तो करेक्शन भी आप कर सकते हैं, करेक्शन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अभी ये दिया हुआ है, बाद में हो सकता है इसको हटा लिया जाए, जो भी आगे की स्थिति होगी वो आप देख लेना। तो इस प्रकार यहाँ से एक एक स्टूडेंट का आपको प्रोग्रेशन कंप्लीट करना होगा। देखिए यहाँ पर सभी स्टूडेंट का प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ये पहले क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद दूसरी या जितनी भी आपकी विद्यालय में कक्षाएँ सब एक एक बच्चे का आपको प्रोग्रेशन कंप्लीट करना होगा। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट कार्य करना है, जो क्लास आप उसका जो प्रोग्रेशन आप कंप्लीट करने हैं उस प्रत्येक क्लास को आपको फाइनलाइज भी करना है। इसके लिए नीचे नीचे आपको चलना है, नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है फाइनलाइज का, देखिए फाइनलाइज का आपको यहाँ से फाइनलाइज पर क्लिक करना है। जैसे आप फाइनलाइज करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल बता देगा कि देखिए आर यू श्योर यू वांट टू फ्रीज द सेशन विद द स्टैटिस्टिक्स बिलो, यानी कि जो यहाँ पर नीचे स्टैटिस्टिक्स दे रखी हैं क्लास वन की, क्लास की जो सेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर क्लास वन सेशन ए है, उसमें सारा स्टेटस आपको बता देगा कि देखिए प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन के स्टूडेंट इतने हैं, नॉट पास्ट रिपीटर स्टूडेंट इतने हैं, या प्रमोटेड विदाउट एग्जाम ये हैं, और जो डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन वाले इतने स्टूडेंट हैं, टोटल आपको यहाँ पर बता देगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे ही आप पूरे स्टूडेंट का डाटा कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पर कन्फर्म भी करना है। जैसे आप कन्फर्म करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर अगर आप पूरे प्रोग्रेशन नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रोग्रेशन स्टेटस नोट अपडेटेड फॉर ऑल स्टूडेंट इन सेलेक्ट एक्शन, यानी कि आपने भी पूरे स्टूडेंट का जो है डिटेल्स यहाँ पर प्रोग्रेशन कंप्लीट नहीं किया है तो आप इसको फाइनलाइज नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने मेरे पहली क्लास में 16 स्टूडेंट है, सिर्फ मैंने अभी 2 का ही किया है, अभी 14 स्टूडेंट बाकी हैं। यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये एरर तभी आपको नजर आएगा जब आपके पूरे स्टूडेंट अपडेट नहीं होंगे तो आप यहाँ पर फाइनलाइज भी नहीं कर सकते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे पिछले साल जो 23-24 में यूडाइस भरवाई गई थी तो काफ़ी सारे लोगों के द्वारा ऐसे मैसेज मिल रहे थे कि सर हमारा फाइनलाइज कंप्लीट नहीं हो रहा है। उनका फाइनलाइज इसलिए कंप्लीट नहीं हो रहा था कि उनके स्टूडेंट उन्होंने पूरे अपडेट ही नहीं किए, और पूरे अपडेट नहीं करेंगे तो फाइनलाइज भी नहीं होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। तो देखिए साथियों, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं तो वो यहाँ पर जो पर पेज आइटम है वो यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के 40 बच्चे हैं, किसी के 50 बच्चे हैं, मान लीजिए जिसके 10 से कम है उनके तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं, लेकिन जिनके 10 से या 25 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनकी ये दिक्कत आ सकती है, वो फाइनलाइज करने चले जाते हैं और उनके पूरे बच्चे जो है फाइनलाइज नहीं हो पाते तो उनको एरर इस प्रकार मैसेज मिलता है। तो यहाँ से पर पेज आइटम से जो है चेंज कर ले आप, और आपके जितने भी हैं सभी बच्चों का आप प्रोग्रेशन कंप्लीट कर ले। इस प्रकार कक्षा 1 से लेकर जितने भी आपके 12 क्लासेज हैं उन सबका आपको प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए
तो देखिए सभी स्टूडेंट को आपने जो है प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लिया है, सारा सेशन वाइज उसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको व्यू समरी पर जाना है और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कंप्लीट आपने कितने किए हैं, पेंडिंग कितने हैं, वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपकी जितना एनरोलमेंट है वो सब कम्प्लीट है तो यहाँ पर नज़र आ जाएगा, पेंडिंग कितने वो भी आपको यहाँ पर दिखा देगा। इसके बाद नीचे आप चलेंगे तो स्टूडेंट की बेसिक डिटेल, स्टूडेंट के पेन नंबर, प्रीवियस क्लास सेशन यहाँ पर नज़र आ जाएगा। देखिए प्रीवियस क्लास में कौन सी क्लास में था, कौन सा सेशन था, स्टेटस आप यहाँ पर देख सकेंगे, और प्रोग्रेशन डिटेल 24-25 की जो आपने फिल किए हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने इस स्टूडेंट का डिटेल कंप्लीट की है तो यहाँ पर प्रमोटेड क्लास एंड सेशन 2 आ चुका है, पहले क्लास का बच्चा था 2 में चला गया है, उसके मार्क्स हमने फिल किए थे वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, अटेंडेंस आपने जो भी फिल की थी वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी, और प्रोग्रेशन स्टेटस उसका प्रमोटेड नज़र आ जाएगा क्योंकि हमने उसको प्रमोट कर दिया है। और उसका यहाँ पर जो स्कूलिंग स्टेटस है वो जो भी आपने किया है, जैसे कि मान लीजिए स्टडिंग इन सेम स्कूल है या टीसी लेकर वो चला गया है या विदाउट टीसी के चला गया है तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। जिनका आपने कंप्लीट नहीं किया है उनके सामने देख के एनए नज़र आ जाएगा, तो आप यहाँ पर समरी में जाकर पूरी डिटेल सभी स्टूडेंट की कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। जब आप यहाँ पर श्योर हो जाए कि सभी स्टूडेंट जो भी थे 23-24 के सेशन के वो सभी प्रमोट कर दिए गए हैं 24-25 में, तो आप उसको जो है फाइनलाइज भी करेंगे। तो फाइनलाइज किस प्रकार करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सभी बच्चों का फाइनलाइज एक बार और आपको करना होगा। तो देखिए जैसे ही आपने सब कंप्लीट कर लिया है तो आपको पूरे स्टूडेंट का फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन कंप्लीट करना है तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको पूरी डिटेल बता देगा। देखिए फाइनलाइज प्रोग्रेशन फॉर अकादमिक ईयर 23-24, यानी कि 23-24 के जितने भी स्टूडेंट थे उनका आपको प्रोग्रेशन फाइनलाइज करना है। तो यहाँ पर कुछ आपको डिटेल्स दी हुई, इनको अच्छे से आप रीड कर लें कि आपको कंप्लीशन कंप्लीट करना है, किस प्रकार करना है। तो देखिए प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेट फॉर यूअर स्कूल, ये सारी डिटेल्स हो जाएगी। इम्पोर्ट मॉड्यूल भी एक्टिवेट फॉर यूअर स्कूल, यानी कि इम्पोर्ट मॉड्यूल फिर एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट, काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें दी हुई, इनको अच्छे से आप रीड कर लें। इसके बाद आपको नीचे चलना है और यहाँ पर देखिए आपको टिक बॉक्स पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पर कर यहाँ से जो ये डाटा है इसको फाइनलाइज करना होगा। ये फाइनलाइज तभी कर पाएंगे जब सभी स्टूडेंट का प्रोग्रेशन आप कंप्लीट कर देंगे, तो आपको ये पहले कंप्लीट करना होगा, इसके बाद सबमिट करना होगा। अभी मैं यहाँ पर सबमिट प्रोसेस आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सारे स्टूडेंट मुझे भी प्रोग्रेशन फाइनलाइज उनका करना होगा, कंप्लीट करना होगा। अब देखिए साथियों, अब जब आप प्रोग्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं, मान लीजिए आपके सामने एक समस्या आ सकती है, वो है सेक्शन की, सेक्शन आपके वहाँ पर शो नहीं हो रहा है या सेक्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये समस्या का समाधान क्या है। तो देखिए सेक्शन मैनेजमेंट का ऑप्शन इधर आपको मिल जाता है, इसी ऑप्शन पर आप कैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ऐड सेक्शन का ऑप्शन आपको नजर आएगा। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट क्लास आप करेंगे, जिस भी क्लास में आपको सेक्शन ऐड करना है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से कर लेंगे। इससे पहले आपको अपने जो सेक्शन है वो चेक कर लेने हैं कि आपके कौन सी क्लास में सेक्शन वगैरह बने हुए हैं। तो नीचे आपको यहाँ पर एक्सपेंड ऑल सेक्शन का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पर नीचे क्लासेज आपको नजर आ जाएगी। देखिए सारी क्लासेज आपको नजर आ रही हैं, आप पहले इस पर क्लिक करें और यहाँ पर देखेंगे तो क्लास वन में आपके कौन सा सेक्शन बना हुआ है, जैसे कि मान लीजिए सेक्शन बना हुआ है और उसका एलएस नाम भी दिया हुआ है, आप इसको चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से एडिट का ऑप्शन दे रखा है। इसी प्रकार सभी क्लास का आप यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपके विद्यालय में क्लासेज हैं। मान लीजिए आपके विद्यालय में 8 क्लास है और यहाँ पर सेक्शन 7 तक ही सो रहे हैं, तो आप जब 8वीं क्लास का वहाँ पर करेंगे तो आपको वहाँ पर सेक्शन ही नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर सेक्शन आपको क्लास 8 का ऐड करना होगा, या मान लीजिए आप 10वीं 9वीं 12वीं में भी ये समस्या आपके सामने सेक्शन की आ सकती हैं, तो यहाँ पर आपको सेक्शन ऐड करने के लिए ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड सेक्शन का, यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे जिस भी क्लास में आप सेक्शन करना चाहते हैं, और उस क्लास को सेलेक्ट करके यहाँ पर देखिए सेक्शन, अब मान लीजिए यहाँ पर क्लास 2 में पहले से ही ऐड सेक्शन बना हुआ है और मुझे उसको बी में भी ऐड करना है, बी सेशन भी ऐड करना है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक बी आ चुका है क्योंकि ए पहले से ऑलरेडी ऐड है इस प्रकार। और यहाँ पर इसका आपको जो है एनी कुछ भी नाम आप एलाइज कर सकते हैं, बी करना चाहिए या कुछ और भी, अगर आप नहीं करेंगे तो यह ऑटोमेटिक बी आ जाएगा, और यहाँ से ऐड पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो सेशन भी बना सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए जहाँ पर पहले से कम की कक्षाएं चलती हैं तो उनके लिए सेशन बनाने होते हैं, तो देखिए यहाँ पर नोट दिया हुआ है इन UDAS+3 क्लासेज कैन बी डिफाइंड फॉर
प्री प्राइमरी यानी कि जो प्री प्राइमरी क्लासेज जहाँ पर चलती हैं वहाँ पर भी जो है सेक्शन ऐड करना होता है। तो देखिए यूकेजी या केजी टू पीपीपी वन के नाम से अगर हैं तो क्लास ग्रेड जस्ट बिलो ग्रेड क्लास वन के नाम से हो जाएगा। एलकेजी केजी वन पीपी टू के नाम से हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसी प्रकार देखें नर्सरी केजी पीपी थ्री हैं तो क्लासेज हैं ग्रेड जस्ट बिलो ग्रेड क्लासेज हैं तो उसके लिए यहाँ पर क्लास बिलो ग्रेड वन हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर जो है ये इस प्रकार आपको जो प्री प्राइमरी क्लासेज हैं उनके लिए सेशन एड यहाँ पर इस प्रकार आप करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है जिनके चलता है उनके लिए ये ऑप्शन है। तो जिनके सेक्शन की समस्या आती है तो वो यहाँ पर सेक्शन ऐड कर सकते हैं आसानी से। और जो आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल है वो कंप्लीट करना है उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। अब जो आगे के नेक्स्ट वीडियो होंगे जिसमें आपके स्टूडेंट जब 24-25 में अपडेट हो जाएंगे इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारे मॉड्यूल हैं जो मिल जाएंगे और काफ़ी सारे मॉड्यूल हैं जो फाइनल प्रोग्रेशन आप कंप्लीट कर देंगे उसके बाद आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने सेक्शन मैनेजमेंट आपको बता दिया है यहाँ पर एक ऑप्शन आपको इसका मिल जाता है देखिए जो यहाँ पर हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी एक्टिव स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट यहाँ पर नजर आ जाएंगे। देखिए जैसे आप एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इधर एक्टिव स्टूडेंट जो भी होंगे वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पर बता रहा है। जैसे ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपने जो ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट अपडेट किए होंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको नजर आ जाएंगे। देखिए उसको यहाँ पर आपको टिक बॉक्स पर आप क्लिक करके अपडेट करना होगा, यहाँ से आप अपडेट कर लेंगे। तो इस प्रकार ये यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स का ऑप्शन दे रखा है। इसी प्रकार इनएक्टिव स्टूडेंट अगर आपने पिछले सेशन में जो स्टूडेंट आपने उनको ड्रॉप बॉक्स में भी अपडेट नहीं किया था या उनको कहीं पर भी कुछ नहीं किया वो यहाँ पर इनएक्टिव स्टूडेंट वाले मॉड्यूल में आपको नजर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होंगे देखिए इनएक्टिव स्टूडेंट में आपको स्टूडेंट नजर आएंगे जो आपने जिनका पिछले साल कुछ भी नहीं किया वो सारे स्टूडेंट आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको देख सकते हैं। और जो 23-24 हैं उसके एक्टिव स्टूडेंट आपको देखने हैं यानी कि 23-24 में आपके कितने स्टूडेंट थे उनका आपने क्या किया उनकी सारी डिटेल्स आपको देखनी है तो एक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल में जाएंगे। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट 23-24 पर क्लिक किया तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट आपको नजर आ जाएंगे। 23-24 के कितना एनरोलमेंट था, कितने बॉयज थे, कितने गर्ल्स थे, टोटल कितने ट्रांसजेंडर, कितने रिपीटर्स, कितने वो सब डिटेल्स यहाँ पर नजर आ जाएगी। उनकी बेसिक डिटेल्स सारी डिटेल्स यहाँ पर नजर आ जाएगी। उस टाइम पर आपने इनका क्या किया, उनको कैसे क्या किया वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनके आधार वगैरह वेरीफाई हैं या नहीं वो सब यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो भी आगे की डिटेल्स हैं आपको करनी होगी वो पूरी जानकारी मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो आपको हमारी जो यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल में आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करना है किस प्रकार करना है इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और साथ ही आपको यूडाइस प्लस से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं या जितनी भी डिटेल्स जाननी है उन सबके वीडियो में बनाकर आपको हमारे चैनल पर दूंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।